कई बार निवेदन करता हूं कि एक ओर धर दीजिए ज्ञान का दंभ, एक ओर रख दीजिए कर्म का प्रपंच, बस अपनी अंजलि में सहज सा भोला सा भाव भरिए और किसी संत के पीछे पीछे चल दीजिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इतना ही करना है बस आपको। इसलिए सकल गुणों की खान भक्ति, यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। देखो औषध कब ली जाती है, औषधि तब ली जाती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपको रोग है, तभी तो आप औषधि के लिए उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। प्राय करके तो दुख यह है, विडंबना यह है कि मनुष्य इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मुझे भगवान के विस्मरण का रोग हो गया है, जिसकी वजह से ये सारे दुख, ये सारे शूल जीवन में, ये सारे कष्ट और संताप हैं। भाई बड़ा कोई भाग्यवान होता है, मैंने कहा ना भगवान का विशेष कृपा पात्र होता है, जिसको जीवन में एक ललक होती है, एक लालसा होती है, जिसके जीवन में एक चाह चटपटी होती है सत्संग के लिए। नहीं तो घर सामान सम्मान पद प्रतिष्ठा तन धन जननी सुहृद सुत दारा, ये सब प्राप्त करके क्या भजन की आवश्यकता रह जाती है जीवन में मनुष्य को। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन चित्त इस बारे में विचार भी नहीं कर पाता कि जीवन में भजन भी करना है। बड़े लोग कभी कहा करते थे, बोले बेटा 100 काम छोड़ के नहाना, 1000 काम छोड़ के खाना और फिर 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना। भजन आपके जीवन में प्राथमिकता होना चाहिए, भजन आपके जीवन में प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब भजन का सुख आता है, तब भजन का आनंद आता है। और कहां इस जीवन की ऊहापोह में, इस जीवन की भाग दौड़ में आज आज ऐसी ऐसी सूरत करता है जीव। कबीर कहते हैं खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। कौन कृपा करता है, शब्द बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, नाम रंग रारा, सदगुरु हो महाराज, मो पे नाम रंग रारा। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। इसलिए यहां या कहीं भी जब सुनने के लिए जाइए तो आप केवल कोई कथा, कोई कहानी, कोई बातचीत, कोई चर्चा सुनने नहीं जा रहे। जो बात, जो शब्द भक्ति का, भगवान का, भक्त का वर्णन करता है वो शब्द नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है। उसमें बड़ी अद्भुत सामर्थ्य छिपी है। जाने कौन सा शब्द कान के रास्ते आपके उर अंतर में जाकर चोट करेगा और आपके जीवन की दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। और एक बात गांठ बांध लीजिए साहब, कभी भी जीवन बदलेगा अगर, कभी भी मन चित्त की वृत्ति अगर संसार से हटके प्रभु की ओर उन्मुख होगी, कभी भी मन यदि विषाद से हटके प्रसाद की ओर बढ़ेगा, तो वो केवल केवल और केवल सत्संग की कृपा से ही बढ़ेगा। पहला परिवर्तन जो आपके जीवन में आएगा वो सत्संग की कृपा से आएगा। तुलयाम लवे नापि स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष, श्रीमद् भागवत कहती है। और इसको सरल शब्दों में तुलसी बाबा कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, पर तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सतसंग। और इन्हीं 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 भावों को कबीर अपने शब्दों में कह देते हैं कि राम बुलावा भेजया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। सत्संग का सुख, पहली बात तो ये जीवन मिलना मुश्किल, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। फिर जीवन मिल जाए तो भजन का संस्कार अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभाति दुर्लभ। फिर उससे भी दुर्लभ क्या है कि जीवन में संत मिल जाए जो आपके भाव का पोषण कर दे, जो अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी वाणी से आपके भाव को सींच दे,
फिर संत का मिलना दुर्लभ, और संत भी मिल जाए तो फिर संत में सद्भाव का मिलना ये तो दुर्लभ से दुर्लभ है, कि आपको संत में भरोसा हो जाए, आपको संत में आस्था हो जाए, आपकी श्रद्धा बलवती हो जाए संत का संग पाके, ये तो दुर्लभ से दुर्लभ है। हाँ, लेकिन अगर इतना हो जाए, आपको संत की बात में एक निश्चल भरोसा हो जाए, ऐसे एक नन्ना सा बालक जो जिसने अभी अभी विद्यालय में जाना आरंभ किया है, यदि उसको उसकी कक्षा का अध्यापक ये सिखा देना कि बेटा दो और दो पांच होते हैं, तो आप उसको चार नहीं सिखा सकते। वो भोला भाला बालक जिसको एक भरोसा आए अपने अध्यापक की बात पर, वो दो और दो पांच ही सीख कर आया है, ऐसा भरोसा, विमल भरोसा, निश्चल भरोसा, निष्कैतव प्रीति, निष्कपट भरोसा संत की बात में हो जाए, तो फिर नारद जी कहते महत संगस्तु अमोघश्च, फिर साधु का संग अमोघ है, खाली नहीं जाता, भगवान के प्रेम की, श्री चरणों के अनुराग की प्राप्ति कराई देता है, फिर जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है, नियत हो जाता है। तो एक बात, मैं यहां पर कोई धर्म संप्रदाय की चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं, यह मेरा कोई विषय भी नहीं है। साधु का केवल एक ही कार्य है, साध सोई जो विषय छुड़ावे और साध सोई जो हरि जपावे, एक ही कार्य है साधु का कि वो जीवन में आए तो भजन की सुवास दे दे। सदगुरु चंदन सम कहा और भगवत प्रेम सुवास, जिसके निकट बैठकर आपको प्रभु के प्रेम की सुवास आए, जो आपके जीवन में आए तो भगवान की स्मृति छोड़ जाए, अपनी नहीं भगवान की स्मृति, जिसको देखकर आपको आपको संसार का सहज विस्मरण हो जाए, जिसको देखकर आपको सहज भगवान की स्मृति हो, जिसके पास बैठकर आपको सत्संग अच्छा लगने लगे, जिसके निकट बैठकर आपको भगवान के गुण सुनना मीठा लगने लगे, ऐसा साधु, ऐसा संत जो जीवन में आए तो आपके जीवन की गति को प्रभु की ओर उन्मुख कर दे, दशा बदल दे जो जीवन की अपने संग मात्र से। इसलिए वो जो भक्ति जो स्वतंत्र सकल गुण की खान है, तुलसी बाबा कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राण। तो एक बात तो निश्चित हो जाती है, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत के साधु की, संत की, भक्त की, फकीर की वाणी यदि आप पढ़ें, तो एक बात तो सबने मानी है कि बोले भाई इस जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति है। एक बात तो अकाट्य सत्य है कि यदि जीव को कहीं विश्राम मिलता है, जीव को यदि अनंत जन्मों की इस यात्रा के पश्चात विश्राम मिलता है, तो बोले वो भजन से मिलता है, भजनानंद से मिलता है, प्रभु के चरणों में जाकर मिलता है, और वो भक्ति। अब भक्ति कैसे प्राप्त हो? आज तो क्या है ना, भक्ति का बड़ा साधारणीकरण हो गया है। आज तो जो लोग शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं वो समझते हैं हम भी भक्त हैं, जो पीपल को डोरा बांध रहा है वो सोचता है मैं भी भक्त हूं। तो सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि भक्ति भगवान की होती है, भक्ति शब्द भगवान से जुड़ा है, भगवान की भक्ति। भगवान से अतिरिक्त किसी की भी पूजा हो सकती है, अर्चना हो सकती है, आदर हो सकता है, सत्कार हो सकता है, लेकिन भक्ति केवल भगवान की हो सकती है। तत्व का निर्णय हो जाए पहले, किसकी भक्ति करें, किसका भजन करें। आपके और मेरे दुख का यही तो कारण है, आपकी और मेरी पीड़ा का यही तो कारण है, जैसे दो घोड़ों की सवारी करके कोई अपने ठिकाने पहुंचाए आज तक, चोट लगती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, यही आपकी और मेरी दशा है। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि तू ता लख लख सूरतां पका छड़ियां, मुल्ला एक सूरत साथो पकदी नहीं। दिल दे के दिलवर प्यारे नू, फिर प्यार भुलाया नहीं जांदा, ते सिर रख के यार दे कदमा ते फिर उठाया नहीं जांदा। जद दिल इक है, जान इक है, दीन इक है, ईमान इक है, जद गीता और कुरान इक है, फिर दूजा यार बनाया नहीं जांदा। जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। गीता में भगवान का वाक्य है कि अर्जुन मैं केवल भक्ति से नहीं, मैं अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त होता हूं,
मनसा वाचा कर्मणा। मैं अपना मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर्यो, सबन सो तोर्यो, मुहि मन क्रम बचन ना करूं अदेसा तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं तीर्थ व्रत ना करूं अदेसा रे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम साथा कुल जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर, सवन सो तोरी। तो जीव के एकमात्र भजनीय एकमात्र सेवे श्री भगवान हैं। साधु सोई जो हरि जपावे और साध सोई जो विषय छुड़ावे। सत्संग के जीवन में आने के बाद भले धीरे अथवा तीव्र,
आपके जीवन में संसार के विषय से उपरति होनी चाहिए, आपके जीवन में, आपके अंतर्मन में संसार के प्रति एक उपेक्षा का भाव जगना चाहिए। सत्संग का केवल मात्र एक ही परिणाम है, एक ही प्रसाद है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। पहली बात मनुष्य का जन्म, फिर दूसरी बात सुमिरन का संस्कार, तीसरी बात संत का संग, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात संत में सद्भाव। आप कहीं से भी आरंभ कर लीजिए, लेकिन आपको प्रथम चरण यहीं पर धरना है। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, और जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे मन में यही भाव था कि 3 दिन उसी प्रसंग के माध्यम से भक्त भक्ति भगवान की चर्चा करनी है मुझे यहां पर। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, बड़ा मार्मिक है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं तक पहुंचने का मार्ग स्वयं प्रभु बता रहे हैं। शबरी जी का प्रसंग, श्री रघुनाथ जी कुटिया पर आए हैं, स्वयं बताया है कि जीव कैसे मुझ तक पहुंचे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहिं कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने उनै देखै पर दोसा, नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोस हिय हरष न दीना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने उनै देखई पर दोसा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस हिय हरष न दीना। भक्ति की इससे सुंदर, इससे मार्मिक, इससे सटीक, इससे सुष्ठु, इससे सरस कोई और परिभाषा, कोई और व्याख्या देखने में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बताने वाले स्वयं भगवान है। मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सीधा मार्ग मैं ही जानता हूं। ये व्याख्या अपने आप में, ये व्याख्या अपने आप में एक ग्रंथ है, ये व्याख्या अपने आप में एक पंथ है। जीव पर, आप पर, मुझ पर अनुग्रह करके भगवान ने ये रहस्य उद्घाटित कर दिया, मानो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता बना दिया। अगर सत्संग की लालसा है, अगर किसी के जीवन में इच्छा है जीवन निर्माण करने की, किसी के जीवन में इच्छा है जीवन जीने की, देखो एक होता है जीवन का बीत जाना। किसी से पूछो ना, बोले आप कैसे हैं, बोले बस कट रही है, एक एक दुख है, एक एक पीड़ा है, एक अवसाद है मन में, पूछे कैसे हैं, बोले बस कट रही है। तो किसी का जीवन कट जाता है, किसी का जीवन बीत जाता है, और कोई सौभाग्यशाली होता है जो साधु का संग पाकर, सत्संग पाकर इस जीवन का एक एक क्षण जीता है। श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो, एक जीता है।
एक एक जीताए, एक एक श्वास प्रभु के चरणों पर न्योछावर करके। मन वे ए पूंजी स्वासादी एनुलादे प्रभु दे लेखे हे जग पे आवेखे भजन कर गोविंद दा मन वे भजन कर गोविंद दा। सत्संग एक ऐसी कला है जो आपको आपके निकट ले आती है, जो आपको आपके मन से बात करना सिखा देती है। हम सबको जानते हैं, बड़ा बहुत गर्व से कहते हैं, अरे साहब हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है इसमें, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है आपकी कि आप कहते हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। कलमा पढ़ने कुराना पढ़ने कदे दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं, बुलिया आसमानिया उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्हू फड़िया ही नहीं। अपना दोष जीवन भर देखने की बात समझ में नहीं आती, जड़ा विच बैठा उन्हू फड़िया ही नहीं। बोले जा जा मक्के हाजी होयो ते पढ़ पढ़ कलमा काजी, बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार नहीं कीता राजी। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। तो भगवान ने कृपा की, शबरी जी माध्यम बनी। जब जब इस संसार में जीव के कल्याण का कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कोई पंथ, कोई मत, कोई विचार, कोई संत प्रकट हुआ है, जीव के कल्याण के लिए जब जब भक्ति परक कोई बात, कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई रहस्य प्रकट हुआ है, तो वो भक्त की कृपा से हुआ है, संत की कृपा से हुआ है। शबरी माध्यम बनी। रघुनाथ जी ने अपनी नवदा भक्ति का उपदेश किया, आरंभ किया कहां से? प्रथम भक्ति, सब कहिए, संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम तो प्रथम चरण है, ये एक मंगलाचरण है, ये शुभारंभ है, ये श्री गणेश है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जिसको जीवन में थोड़ी सी लालसा जग गई है भजन की, थोड़ी सी उत्कंठा है मन में, थोड़ी सी चाह है प्रभु के निकट जाने का, भजनानंद जीवन में आए, पहली बात तो अनंत अनंत जन्म से संसार में भटकते हुए कहां जीव को चेत आता है, कहां जीव को सुध आती है कि भजन भी करना है। इतनी भी लालसा यदि मन में जगे ना, तो समझना भगवान की आप पर कृपा दृष्टि हुई है, तभी आपके मन में यह विचार आया है। अन्यथा जीवा स्वभावतो दुष्टा सर्वम कुर्वंती, जीव सब कर सकता है अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से। भगवान ने सब सामर्थ्य दिए जीव को, वो सब कर सकता है, लेकिन अपने मन और चित्त की वृत्ति संसार से हटाकर प्रभु की ओर ले जाए, ये पुरुषार्थ जीव के बस की बात नहीं है। ये बिना कृपा के नहीं होता, ये पुरुषार्थ से नहीं होता, ये जीव के प्रताप से नहीं होता, ये प्रयास से भी नहीं होता। ए गुण साधनते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई, ये कृपा से होता है, अनुग्रह से होता है। अब आप सोचेंगे जब कृपा से ही होता है तो फिर हमें क्या करना है, जब होगा देखा जाएगा। क्या होता है ना कि जीव का स्वभाव है, एक होता है सत्य के पक्ष में जाना, एक होता है सत्य को अपने पक्ष में कर लेना। तो आपका मेरा क्या स्वभाव है, हम सत्य को अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपनी अनुकूलता से हम बात को तोड़कर मरोड़कर और अपने जीवन में लागू करते हैं।
एक माता जी थी, वो गीता का सत्संग सुनने जाती थी। एक दिन महात्मा जी के मुख से सुन लिया, बोले आत्मा ना जीता है ना मरता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, आत्मा कुछ नहीं करता। तो घर गई, पति देव आए, बोले लाओ चाय लाओ, बोले आत्मा कुछ नहीं करता। रात हो गई, बोले भोजन लाओ, बोले कहा ना आत्मा कुछ नहीं करता। अगले दिन सुबह यही हाल, बेचारे उस दिन तो जैसे तैसे दफ्तर पहुंचे, वापस आए तो बहुत झगड़ा किया, बोले किसने बुद्धि फेर दी तुम्हारी, किसी से पूछा? तो बोले आजकल माता जी सत्संग सुनने जाती हैं, ये उसी का ही कमाल है। तो वो बेचारे पहुंच गए महात्मा जी के पास, दुखड़ा रोने की क्या सिखा दिया, कौन सा मंत्र पढ़ा दिया आपने, दिन भर एक ही बात कहती आत्मा कुछ नहीं करता। तो महात्मा ने कहा हम उपाय बताते हैं इसका। घर पहुंचे, एक मिट्टी के तेल की बोतल डाली सिर पर, दिया सलाई लगाने लगे, बोली ये क्या करते हो? बोले चुप बैठ जाओ, आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, जल भिगा नहीं सकता, मति ठिकाने आई। तो क्या है कि जीव का स्वभाव है सत्य को अपने पक्ष में कर लेना, पर उससे कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। कोई छोटा मोटा सांसारिक लाभ भले हो जाए, लेकिन कम से कम कोई आध्यात्मिक लाभ तो इससे नहीं होता। गिरधर को पाना है तो मीरा होना पड़ेगा, अपने अपने मन मंदिर में राम का विश्राम चाहिए तो तुलसी जैसी दृष्टि ही चाहिए। यहां पर कम से कम इस मार्ग पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। गोपी हुए बिना कृष्ण के प्रेम का आस्वादन असंभव है, और वो होना असंभव नहीं है। अच्छा क्या है कि सबसे बड़ी बात जो बांध रखी है हमने अपने माथे पर, कितने लोग आते हैं हमारे पास में जो पहली बात क्या बोले, बोले महाराज जी हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे भजन करें? अरे गृहस्थी हो, पापी थोड़े ही हो। जो जहां है, जिस स्थिति में है, जैसा है, वो वहीं से भजन का आरंभ कर सकता है। प्रभु ने भजन करने की, भगवान ने तन सबको विलग विलग दे दिया, धन भी सबको विलग विलग दे दिया, पर मन प्रभु ने सभी को एक साथ दिया है। इसीलिए कम से कम भाव निवेदन करने में तो आप दरिद्र न रहिए, भाव निवेदन करने में तो आप पीछे न रहिए, भाव निवेदन करने में तो शिथिल मत पड़े रहिए। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये मंगलाचरण है। और संत वो जो जिसको आपके प्रयास की भी बहुत अधिक अपेक्षा ना हो। मैं ये कह रहा था कि आप पूछेंगे कि यदि सब कुछ कृपा से होना है तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए संत ही उत्तर देते हैं। बोले कृपा कृपा सब कोई कहे, और कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। बोले गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की, महत जनों की आज्ञा में यदि रहोगे, उनके बताए मार्ग पर चलोगे, तो जब भगवान की कृपा होगी तो उसको धारण करने की पात्रता आ जाएगी। आपके मेरे मन का बर्तन फूट गया है, छेद हो गया है, उसमें जन्मों से विषय का भोग करते करते मन का जो पात्र है उसमें छिद्र हो गया है। क्या चाहिए? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आरंभ करिए, मंगलाचरण है ये भक्ति का, ये शुभारंभ है, श्री गणेश है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि गुड बिगनिंग इज हाफ एंड, आपने एक अच्छी शुरुआत की माने आपका आधा काम हो गया। हां लेकिन सत्संग का एक परिणाम, आत्मचिंतन जरूर करते रहना कि जहां आप जाते हैं, जिसे आप सुनते हैं, जिसका श्रवण आप करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कुछ अंतर में आलोक हो भी रहा है कि नहीं। कहीं केवल संसार की वस्तु, कहीं केवल दो कौड़ी का संसार जो आपको वैसे भी बिना मांगे भी मिलता। आप भगवान के मंदिर में जाकर मनोरथ मांगते हैं, अरे न भी मांगिए तो भी जो आपके भाग्य में है बिन मांगे आगे आवेगा। यहां से आज हमने आरंभ किया कि अरे जो दुख भेजने में इतना चतुर है कि आपका लाख प्रयास करने पर भी वो नहीं छोड़ता, वो सुख भेजने में क्यों भूल करेगा? आपके मनोरथ से सुख बढ़ने नहीं वाला, आपके उपाय से दुख घटने नहीं वाला, तो फिर व्यर्थ की याचना क्यों? अगर याचना हो तो महाराज कहते मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे।
याचना हो तो सेवा की हो, याचना हो तो सुमिरन की हो, याचना हो तो सत्संग की हो। शायर कहता है जो नसीब में लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, जो नसीब में लिखा है वो तो मिल ही जाएगा। तूने बख्शना है तो कुछ ऐसा बख्श जो नसीब में ना हो, प्रभु आपने देना है तो कुछ ऐसा दीजिए जो मेरे भाग्य में ना हो, जिसे मैं अपने पुरुषार्थ से ना कमा सकूं, जिसे मैं अर्जित ना कर सकूं। सेवा दीजिए, सुमिरन दीजिए, सत्संग दीजिए। और अनेकानेक प्रमाण है हमारे यहां पर कि जब एक नितांत अयोग्य को, जब एक अनाधिकारी को भी साधु का संग मिला है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना। अच्छा पहले बताइए आप कितने लोग वृंदावन गए हैं? सभी गए हैं? चलो एक बार ऊंचे स्वर से जय घोष कर दो, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो आप मंदिर जाते हैं ना, आप एक गुलाब के फूल की माला लेकर जाते हैं। गुलाब के फूल की माला पलाश के पत्ते में लिपटी होती है। वो पत्ता किसी भी दृष्टि से मंदिर में जाने योग्य नहीं है, लेकिन माला का संग पाके वो भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही बिल्कुल अनअधिकारी जीव, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, जिसके जीवन में इच्छा भी नहीं है भजन करने की, सच्चा साधु मिल जाए, भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए, सत्संग की दो घड़ियां मिल जाए, तो वो मन जो कलुषित है, विकृत है, जो जो बिल्कुल मूड है, भूला है, भटका है, वो भी प्रभु चरणों तक पहुंच जाता है। ऐसी एक बड़ी सुंदर कथा श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्या देता है संत का संग, क्या मिलता है संत के संग से, क्या सामर्थ्य है संत के संग की, क्या प्राप्ति करा देता है साधु का संग। ये बड़ी सुंदर कथा, आइए कथा के भाव में प्रवेश करें, दो मिनट के लिए हरिनाम ले लिए। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। सब कहिए गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे, राधे गोविंद, राधे राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे कीर्तन नहीं है, इस समय आपकी रग रग पावन हो रही है, एक एक के रोम से ऐसा परमाणु निस्त्रित होता है जो तीनों लोकों का कल्याण करता है। हरि नाम ये जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा है। प्रेम से राधे राधे